नमस्कार दोस्तों, आज का डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत को पूरा विश्व उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। अमेरिका की थिंक टैंक मानी जाने वाली संस्था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन RTIF ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि अगर अमेरिका को चीन की बढ़ती ताकत रोकनी है तो उसे भारत को अपने साथ लेना होगा। भारत उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है क्योंकि उसके पास कुशल तकनीकी पेशेवर हैं। आने वाला समय नए इनोवेशन का होगा और आरटी का दखल दूसरे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ेगा। दूसरी ओर पड़ोसी देश चीन भी भारत की अहमियत को स्वीकार करने है। हाल ही में चीनी मीडिया ने टिप्पणी की है कि भारत लगा को अमेरिका के साथ जाने से पहले एक बार सोचना चाहिए। इतिहास कहता है कि अमेरिका ने कभी अपने सहयोगी का साथ नहीं दिया है, केवल उसका इस्तेमाल किया है। यह टिप्पणी इस तथ्य को जाहिर करने के लिए पर्याप्त है कि चीन नहीं चाहता कि भारत उससे दूर रहकर अमेरिका का मजबूत सहयोगी बने। दरअसल अमेरिका चीन की बढ़ती ताकत को स्वीकारने को तैयार नहीं है। वह अपना प्रभुत्व बरकरार रखना चाहता है। ऐसे में उसे चीन को कहीं न कहीं रोकना होगा। चीन को रोकने के लिए उसे एशिया महाद्वीप के भीतर एक मजबूती सहयोगी चाहिए और भारत से बेहतर सहयोगी का विकल्प उसके पास नहीं है। ऐसे में बाइडेन सरकार लगातार भारत के प्रति एक लचीला रुख लेकर चल रही है। उधर चीन भी इस नए संभावित गठजोड़ को करीब से समझ रहा है। वह जानता है कि यह गठजोड़ मजबूत होना अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे में भारत को लेकर कुछ समय से चीन का रवैया परिवर्तित दिख रहा है। पूर्वी लद्दाख से चीन जिस तरह अपनी सेना को हटाने के लिए सहमत दिखा, उसे इसी नज़रिए से देखा जा सकता है। यह अलहदा सवाल हो सकता है कि पड़ोसी देश का यह व्यवहार कितने समय तक रहेगा। खैर, गेंद पूरी तरह से अब भारत के पाले में है। भारत को किसी का औजार बनने की बजाय अपने हितों को सर्वोपरि रखना होगा। उसे रणनीतिक स्तर पर काम करना होगा। कूटनीतिक तरीके से अमेरिका का सहयोग लेना भी जरूरी है जिससे चीन को रोका जा सके। लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि अमेरिका पर भरोसा एक सीमा तक उचित है। उससे रिश्ते रखने के साथ एक निश्चित दूरी भी जरूर रखी जानी चाहिए। दूसरी ओर चीन को भी यह एहसास कराने की आवश्यकता है कि भारत उस पर तभी भरोसा
कर सकता है जब वह अच्छा पड़ोसी होने का धर्म निभाए। समाप्त।